ప్రధాని మోదీ ఆధ్వర్యంలో దేశం ఆర్థికంగా పుంజుకుందన్నారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. 2047 నాటికి వికసిత భారత్ సాధించడమే ఎన్డీఏ సర్కార్ లక్ష్యమన్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్ పూర్తిగా సామాన్యుల బడ్జెట్ అన్నారు. 4 కోట్ల మంది యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ తెచ్చామని చెప్పారు. ముంబైలో పార్టీ కార్యకర్తలతో కలిసి మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఎంఎస్ఎంఈలకు బడ్జెట్ అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చామన్నారు పీయూష్ గోయల్. బహుముఖి వికాస్ కా బడ్జెట్ 140 కోట్ లోగో తక్ हर एक को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचे, चाहे वो अनुसंधान हो जिसके लिए 1 लाख करोड़ रखे गए, चाहे किसानों के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़, 1 लाख 52 हजार करोड़, चाहे वो नारी शक्ति के लिए 3 लाख करोड़ हो, हर एक के लिए इस बजट में प्रावधान है. आधारभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए 11 लाख 11 हजार करोड़ केंद्र सरकार योजनाओं पर खर्चा करेगी, जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लगभग 2.5 से 3.5 गुना होता है. तो अर्थव्यवस्था को और लोगों को रोजगार, व्यापार, कारोबार, एमएसएमई सेक्टर को उद्योग करने के उतने ज्यादा अवसर मिलते हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को विशेष ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ावा देने का काम ये बजट करता है. हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, युवा युवतियों ने नए आइडियाज को उजागर कर आज 1,30,000 से अधिक भारत में स्टार्टअप बने. आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम भारत में, उसके लिए भी एंजल टैक्स हटाकर बड़े पैमाने पर निवेश आए, उसको सुरक्षित किया. तो अनगिनत इस बजट के लाभ हर एक वर्ग को मिलते हैं, देश के कोने कोने को, हर प्रदेश को मिलते हैं. पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों को और गति मिले कि वो देश की विकास यात्रा में जुड़ सके, उसको सुनिश्चित करते हैं. ऐसा बजट, सबका बजट और देश को विकसित भारत बनाने वाला बजट.